आइए दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ पर बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करते हैं और इसके बेसिक चीज को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि ये एलसीएम जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समाप वर्तक, जबकि ये क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्त्य, मतलब लास्ट में आपको अपवर्त शब्द जोड़ना होता है। जबकि ये क्या है, एचसीएफ है, मतलब महत्तम समाप वर्तक, इसमें क्या है, लास्ट में का होता है। ध्यान दीजिए, इसमें अपवर्त्य है और इसमें अपवर्तक है, तो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालते हैं तो उसका विधि अलग है और इसको निकालने की विधि अलग है। ध्यान दीजिए, आज के वीडियो में मैं इसकी जो पुरानी विधि है वो भी बताऊंगा और एक बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जिसको आप जब देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ, वैसे ही विधि आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं और इसका भी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और ये होता है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर कहलाता है और ये मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। तो हम अपवर्त निकाल रहे, तो हम आज लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं पहले इनका। तो यहां पर देखिए, लघुत्तम समापवर्त निकालने का एक बेस्ट जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि पुरानी पद्धति के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको भाग देते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं भाग देने वाला विधि से भी आपको हल करके बता देता हूं कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं। जैसे इनको देख लीजिएगा, आप सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो दो से भाग देते हैं, दो से भाग नहीं जाएगा तो आप उसको जस के तस जैसा है वैसे लिख दीजिएगा, ये हो गया, ये दो से जाएगा तो इसको हम दो से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, दो तीन छह, दो शून्य शून्य, फिर ये दो से जाएगा तो फिर एक बार दो से भाग देंगे, इसको जो भाग नहीं जाता है उसको हम क्या करेंगे, जैसा दिया वैसा ही लिख देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा, पंद्रह, दो एक कम दो आ जाएगा, दो पंचे दस, खत्म। अब देखिए, ये तीन से जाएगा क्या, देखते हैं, तीन से अगर भाग जाता है तो भाग देंगे जी, ये तीन से भाग नहीं जाएगा लेकिन ये जाएगा, तीन एक कम, देखिए तीन एक कम तीन, कितना बचा, एक, तीन पंचे पंद्रह, ये तो जाएगा तीन पंचे पंद्रह। अब देखिए सभी जो है, अब किससे भाग जाएगा, तीन से एक बार तो जाएगा तो हम चल तीन से भाग दे देते हैं, ये हो गया तीन पंचे पंद्रह, ये हो गया पांच। अब ये किससे भाग जाएगा, अब ये जाएगा पांच से, सभी को पांच से भाग देंगे, पांच पंचे पच्चीस, पांच एक कम पांच और पांच एक कम पांच, एक बार पुनः पांच से भाग जाएगा, पांच एक कम पांच, पांच एक कम, ये तो कट हो गया। अब देखिए जो संख्या आया है, ध्यान दीजिए, इसके बाद एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो शॉर्ट ट्रिक ऐसा है जिसमें एक ही लाइन में आप किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, इतना लंबा चौड़ा हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, जितना संख्या आता है, जिन संख्याओं को हल करने के बाद जितने गुणनखंड आए होंगे ना, है ना, जितने अपवर्त आए होंगे, ये उनके अपवर्त होते हैं, तो जितने अपवर्त हमको गुना कर दो, दो गुना दो गुना तीन गुना तीन, देखिए तीन दो बार आया है, उसके बाद पांच कितने बार आया है, फिर पांच जो है दो बार आया है, ये देखिए, उसके बाद इसको तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, दो दुनी चार, इसको गुना करेंगे, तीन तिया नौ, इसको हम गुना करेंगे, पांच पंचे पच्चीस, ठीक है, इसको हम गुना कर देते हैं, नौ चौक छत्तीस हो गया, गुण किया हो गया पच्चीस, इसको गुना कर देंगे, पच्चीस छह का कितना होता है, एक सौ पचास, एक सौ पचास का शून्य और हासिल कितना आ गया, पंद्रह, फिर पच्चीस तिया कितना होता है, पचहत्तर, पचहत्तर में आप कितना जोड़ेंगे, पंद्रह, पंद्रह जोड़ेंगे तो हो गया नौ, मतलब ये हो जाएगा नौ सौ। इसका मतलब पच्चीस पैंतालीस और साठ का जो एलसीएम है वो नौ सौ है। ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या है जो दिए गए तीनों संख्याओं से, तीन चार पांच जितनी भी संख्या देगा उनका अगर वो एलसीएम है तो वो तीनों संख्याओं से भाग चला जाएगा, उसे ही एलसीएम कहा जाता है। इसका मतलब 900 जो है ये तीनों संख्याओं से भाग चला जाएगा, भाग देकर आप देख सकते हैं। इसका तुलना ऐसे, जैसे इकाई में पांच है ना, तो निश्चित रूप से ये पांच से भाग जाएगा, यहां पर शून्य है तो निश्चित रूप से ये इन संख्या से भाग जाएगा, सिद्ध हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इनको मुझे एक ही लाइन में एलसीएम निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो इस विधि को आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें किसी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है एक ही लाइन में। जी हाँ दोस्तों, एक ही लाइन में आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं कैसे, ये देखिए जो संख्या दिया है, ये देखिए जो संख्या दिया है इसको आप तोड़िए। कैसे तोड़ना है ध्यान से देखिएगा, केवल तोड़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे इसको मैं तोड़ता हूं, पांच गुणित पांच, पांच पंचे पच्चीस। अब देखिए ये जो दिख रहा है पैंतालीस, इसको भी मुझे दो भागों में तोड़ना है, लेकिन कैसे, 45 को तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, तीन गुणित पांच,
तीन तिया नौ और नौ पंचे 45। ध्यान दीजिएगा, इसमें से पांच पहले से आया हुआ है, मतलब इसमें से जो कोई भी पांच आया उसको मैं किससे गुना कर दूं कि 45 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं 9 से गुना कर दूं, है ना, 9 पंचे 45। लेकिन 9 को हमें दो भागों में लिख लेना है, मतलब 3 गुना 3, ठीक है। ऐसा करने से क्या हमें 45 मिल जाएगा? बिल्कुल, देखे 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, मतलब कुल मिलाकर जितनी संख्या दिया है उसमें से हमें 45 प्राप्त होना चाहिए, खत्म कहानी। फिर देखिए, अब यहां पर 60 है, तो इनमें से किन संख्याओं को मैं गुना कर दूं कि 60 आ जाएगा पूर्व संख्याओं को? तो देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45 काम नहीं चलेगा। हमारा काम किससे चल जाएगा? 5 तिया 15 हो रहा है, और ये जो 5 गुणित 3 को, मतलब 5 तिया 15 को और किससे गुना कर दे कि 60 आ जाए, तो 15 गुणित 4, 15 चौक 60, ठीक है। तो यहां पर किससे गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 15 तो हमारे पास पहले से मौजूद है सामने में, लेकिन इसको यदि हम केवल यहां पर 4 से गुना कर दें तो 15 चौक 60। दोस्तों आपका लघुत्तम समापवर्तक आ गया है, ध्यान दीजिए यही जो है लघुत्तम समापवर्तक होगा 25, 45 और 60 का। तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको गुना ही तो करना है। तो ये देखिए 5 पंचे 25, इनको गुना करिए 3 तिया 9 और 9 चौक 36, जबकि यही संख्या का हमने गुना किया था तो कितना आया था, 900 आया था, मतलब 100% यह ट्रिक काम करता है। चाहे तो आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाले, चाहे तो आप लगातार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? इसके बाद देखिए एचसीएफ निकालने का मैं बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं। मान ले जाए हमें कोई 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार की संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह रहा है ना, लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इस प्रकार की संख्याओं का अलग अलग भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, लेकिन यहां पर जब 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। इससे पहले कोई संख्या आया है क्या जिसको हम किसी संख्या से गुना करें तो 4 आ जाएगा? जी हाँ, 2 आया है, इसको हम 2 से गुना करें तो केवल यहां पर हम 2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 5 है तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर 6 है तो सामने में कोई संख्या देख लो आया है क्या जो 6 बना देगा, तो 3 दूनी 6, मतलब यहां पर 6 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहां पर 7 को लिख दीजिए, क्योंकि 7 किसी भी शर्त में आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार कितनी भी लगातार संख्या दिया हो उसका लघुत्तम समापवर्तक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस इनको आपको क्या करना है, गुणा ही तो करना है। देखिए 5 दूनी 10 बोल देते हैं, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। फिर इसको हम कर देंगे 6 7 42, ठीक है, 7 6 42। अब इसको हम गुना करेंगे किससे, 10 से, तो 10 से गुना करेंगे मतलब 10, मतलब 420 जो है 2 3 4 5 और 6 7 का, 2 3 4 5 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, 420 को इन संख्याओं से अलग अलग भाग दीजिए, भाग चला जाए तो क्या है, इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। अब आइए हम महत्तम समापवर्तक पर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, महत्तम समापवर्तक है ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, ये थोड़ा से अलग है। कैसे? महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दिए गए संख्या को भाग दे दे, पूरा को पूरा भाग दे दे। इसमें क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, जो लघुत्तम समापवर्तक आता है वह संख्या दिए गए संख्याओं से भाग चला जाता है। इसमें क्या हो रहा है, जो महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे वह संख्या दिए गए संख्याओं को भाग देगा। यहां पर मैंने 2 प्रश्न लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर का जो लिखा है वो अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है, ठीक है। यहां पर मैं केवल इस प्रश्न की बात कर रहा हूं, अगर इसका मुझे क्या निकालना हो, अगर एचसीएफ निकालना हो तो इसके 2 विधि है, एक तो लॉन्ग कट होता है और एक शॉर्ट कट, ठीक है। हालांकि दोनों ही विधि बहुत ही शानदार है, तो देखिए मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं। जैसे अगर मुझे 60 का और 45 का एचसीएफ निकालना है तो मुझे क्या करना है, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, ठीक है। बड़ी संख्या मैंने लिख लिया और छोटी संख्या को आप यहां पर लिखिए, है ना। पहले मैं इसको हल कर रहा हूं, ये जो 2 संख्या दिख रहा है उसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, है ना। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करना है, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से ही भाग देना है। तो ये कितने बार जाएगा, देखिए 45 से कम 45 से एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 45। भाग देते समय आपको ध्यान देना है, यहां पर तो निश्चित रूप से घटाते हैं, यहां पर हम घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 15। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में आप ये लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्याओं को देख लीजिए, ये 45, अब इसको भूल जाइए, 60 को भूल जाइए,
जिस संख्या से आपने भाग दिया था उसको देखिए, ये 45 है और ये 15 है, तो 45 को आप यहां पर उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम भाग देंगे, मतलब 45 को 15 से भाग देंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है, छोटी है, ये देखिए 15 है, तो 15 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 15 × 45 तीन बार, देखिए ये भाग चला गया, पूरा का पूरा भाग चला जाए, तो जो संख्या पूरा का पूरा भाग दे, तो इसमें से कौन सी संख्या है जिसके जिससे पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, 15 से जो संख्या जो है पूरा का पूरा भाग चला गया, तो ध्यान दीजिए आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15 होगा, ये 3 नहीं होगा, जो पूरा का पूरा भाग दे रहा है, जहां पर हमारा कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो वो संख्या क्या होता है, कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब HCF होता है। अब देखिए 15 से इन दोनों संख्याओं को भाग देकर देख लीजिए, 15 × 64 और 15 × 45 हो गया प्रूफ। चलिए इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम इनका भी HCF निकाल कर देखते हैं कि निकलता है कि नहीं है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, हाँ इनको आप प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करेंगे, इनको आप तोड़ सकते हैं, पुराने विधि में क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो 2 × 3, 3 × 6 छह को गुना करेंगे, और किससे गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 12 और 12 × 5 = 60, ये आपका आंसर आ गया। 45 को कैसे तोड़ेंगे, 45 को गुना करेंगे, 2 तो होता नहीं है, ये 3 × 9 और 9 × 5 = 45। अब देखिए हमने उत्तर कौन सा निकाला था, हमारा उत्तर कितना रहा था इसमें, HCF जो है 15 आ रहा था, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम HCF निकालते हैं ना HCF, तो इसमें दोनों में जो जोड़ा बना है, दोनों में जो आया होगा उसको गुना करते हैं, तो देखिए 2 इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया है, 3 इसमें आया है तो यहां पर आया है, देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है इन 3 का, तो मतलब 3 यहां पर हम लिखेंगे, ये 3 इसमें आया है लेकिन इसमें 3 आया नहीं है, मतलब ये 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, ये 2 इसमें आया तो इसमें नहीं आया है, दोनों में जो आया हो उसका जोड़ा बना के गुना करते हैं, तो ये 5 को देखिए 5 दोनों में आया है तो यहां पर 5 गुना करेंगे, 5 × 15, ये देखिए इस विधि से भी हमने HCF निकाला ना, सॉरी HCF निकाला तो 15 ही आया, मतलब हमारा मेथड बिल्कुल सही है। आइए अब जो दूसरा प्रश्न हमने लिखा है उसका भी HCF निकाल कर देख लेते हैं, ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि यह मेथड काम करता है। जैसे हमने कौन सा मेथड बताया है, 158 है ना, 158 है, हमने क्या बताया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, यहां पर है 72 भाग देना है, ठीक है, यहां पर लाइन खींच देंगे, 72 को भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 72 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 144 भाग देंगे मतलब कट गया, ठीक है, यहां पर घटाएंगे कितना आएगा, यहां पर आएगा 4, यहां पर देख ले, यहां पर तो हासिल नहीं गया, एक बचा हुआ है, घटा देंगे, घटेगा तो एक बचेगा, और यहां पर इतना। अब देखिए इन दोनों में इसको आप यहां पर उतार लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा 72, ठीक है, फिर आपको ये जो संख्या है उनसे इनको भाग देना है, कितने बार जाएगा, 14 × 5 = 70, यहां पर आ जाएगा 70, कितना बचा जी, घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। अब क्या करना है, इन संख्या को यहां पर लिख लीजिएगा, फिर इसको भाग दीजिएगा, कितने बार जाएगा, 7 बार। ध्यान दीजिए ये आपका उत्तर नहीं होता है, उत्तर होता है जो संख्या को पूरा का पूरा भाग देता है, 7 × 14 हो रहा था, ये घट गया, पूरा का पूरा भाग चला गया, मतलब जो संख्या लास्ट में उन संख्या को पूरा का पूरा भाग दे देता है वही संख्या उसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये 2 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भाई, जी हां दोस्तों। चलिए इसको हम देख लेते हैं, ये दोनों संख्याओं को भाग देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि 2 है तो इकाई में 2, 4, 6, 8 वाला मेथड तो याद है, 8 आया भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, लेकिन हम पुरानी विधि से इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में पुरानी विधि के माध्यम से यह प्रूफ हो रहा है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ूंगा, उसका उत्तर आप लोग इस विधि से HCF निकालकर बताइएगा, ठीक है। कैसे, देखिए इनको हम तोड़ना चाहें, सॉरी ये तो हो गया था, इसको हम तोड़ना चाहें 158 को, और हम तोड़ना चाहें 72 को, इनको हम तोड़ना चाहेंगे तो कितना टूटेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 79 × 2, इससे और छोटा में तोड़ सकते हैं क्या, आप चाहे तो तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी इतना में ही तोड़ रहा हूं। इसको देखिए 72 को हम क्या करेंगे, किस में तोड़ेंगे, 3 × 3 × कितना बार टूटेगा 72, तो यहां पर 36 आना चाहिए, 3 × 9 × 4 = 9 × 36 और 36 × 72, ठीक है, इसको हम 2 भी कर सकते थे, 3 × 9 = 9 × 36 × 36 × 72। अब दोनों में मिला लीजिए, दोनों में कौन आया है, इसको हम 2 बार भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसा लिखते हैं 3 × 9 = 9 × 18 × 18 × 36 × 36 × 72, लेकिन दोनों में कौन आया है, दोनों में जो आया है 2 ही तो आया है ना, उसके बाद ये आया है तो ये तो आया ही नहीं है, तो लास्ट में दोनों में कौन आया है, 2, इसका मतलब हमारा कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया,
अब देखिए अगर आपको मैं कुछ संख्या दे रहा हूं जिसके आपको एलसीएम भी उसी विधि से निकालना है जो विधि मैंने बताया है और एचसीएफ भी निकालना है जो आज मैंने विधि बताया है, तो पहला वाला में आपको एलसीएम निकालना है ए प्रश्न का और दूसरा वाले में आपको एचसीएफ निकालना है ये बी प्रश्न का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए यदि मैं यहां से चालू करूं 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार की लगातार संख्याओं का अगर मैं क्या निकालना चाहूं एलसीएम निकालना चाहूं तो इसका एलसीएम कितना होगा, और दूसरा अगर मैं अपवर्त एचसीएफ की बात करूं है ना तो मैं कैसे निकालूंगा। ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास कुछ संख्या जो है यहां पर मान लीजिए 70 है और यहां पर 230 है, ठीक है, ये जो दोनों संख्याओं का हमें क्या करना हो अगर एचसीएफ निकालना हो तो इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक मिला होगा और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है इसको जरूर देखिए बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।